बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, बड़ा बेहतरीन मौसम बना हुआ है। इसके साथ साथ आप लोग ये मैसेज देख रहे होंगे, ये लड़का कह रहा है अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, वालेकुम सलाम, मेरा बलोच रेजिमेंट लगा है, मैं सुबह ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ इबटाबाद सेंटर, थैंक यू सो मच। लड़का है, उसने अप्लाई पता नहीं कहीं से भी किया है, लेकिन बलोच रेजिमेंट उसकी लगी है और वो जा रहा है इबटाबाद सेंटर ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जिनकी बलोच रेजिमेंट लगी थी या इबटाबाद सेंटर में अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है अगर इबटाबाद सेंटर में लड़के जा रहे हैं, बलोच रेजिमेंट इस लड़के की लगी थी या यहाँ से इसने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग है इबटाबाद में। अब बात को थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करें, जिन्होंने 24 AM अप्लाई किया था या 23 AM में, तो 23 AM के हवाले से मेरा वाज़ मैसेज ये है कि मैं इसके बारे में ये नहीं कहता कि लाजमी आपको कॉल आएगी, ठीक है ना। हाँ, आ भी सकती है क्योंकि इसमें वैकेंसियाँ थोड़ी लगी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ डी खान की, तो अगर 7,000 बंदों ने अप्लाई किया तो सिर्फ 700 वैकेंसी लगी। क्यों कम लगी है इसकी वजह तो उनको ही पता होगी, हमें तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि वैकेंसियाँ लग रही हैं 23 AM भी और 24 AM में। जहाँ तक 24 AM की बात है, तो 24 AM तो अभी भर्ती मेरे ख्याल मेरी जान गुजरी है, तो इसका तो ये आप नहीं कह सकते कि उसको कॉल आ गई मुझे कॉल क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सबका है। अब सब लोग ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसने मेरे साथ टेस्ट दिए थे, एक साथ हमने दौड़ किया था, तो मेरी जान आपकी और उसके कोर में फ़र्क है, आपकी और उसके तालीम में फ़र्क है, ठीक है ना। उसकी अलग ट्रेड होगी, आपकी अलग ट्रेड होगी। अगर इसकी इबटाबाद लगी तो हो सकता है आपकी EME हो सकती है, हो सकता है आपकी EMC हो सकती है, हो सकता है आपकी क्लर्क हो सकती है। तो इबटाबाद में जिस ट्रेड की ट्रेनिंग होगी, तो डेफ़िनेटली अगर ये लड़का मेरठ में आया हुआ है तो ये तो जाएगा, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें, 24 AM अप्लाई किया, वेट करें, इंतज़ार करें, ठीक है ना। ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगस्त के महीने में काफ़ी लेटर निकलेंगे और निकल भी रही है, ठीक है ना, आप सबके सामने। तो इसमें यह है कि अगर मेरठ में आप लोग आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग जाएंगे ट्रेनिंग के ऊपर। इसी तरह EME के हवाले से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, EME के बस इंशाल्लाह ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि लड़के वहाँ पर पहुँच रहे हैं EME सेंटर क्वेटा में। और दूसरी बात, ये आप लोग हसद ना किया करें, हसद बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है ना। इससे अल्लाह पाक काफ़ी नाराज़ होते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आप लोग भी जाएंगे, दिल बड़ा रखें, ठीक है ना, पॉजिटिव रहें। वो जा रहे हैं, शुक्र अदा करें कि कोई आपका दोस्त आर्मी में चला गया, किसी दूसरे इंसान की रिस्क का अल्लाह पाक ने रास्ता खोल दिया, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप खुश होया करें, कल को आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि यार इस रेजिमेंट में, इस यूनिट में मेरा दोस्त है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप फ़ख्र से ये चीज़ कह सकेंगे कि यहाँ पर मेरा दोस्त है। आप यकीन करें मेरा चैनल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी यूनिट में ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के, जब वो घर आते हैं, जब वो मुझे मैसेज करते हैं, यकीन माने इतना खुश होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, ठीक है ना। तो अजानें शुरू हो रही हैं, नमाज का टाइम है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी का रास्ता दें।